हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एनएचएम सीएचओ जो वैकेंसीज निकली हुई थी 3450 एनएचएम सीएचओ की एमपी में, मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन उसमें एलिजिबल सारे हैं। कोई भी स्टेट के हों आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से यानी कि 30 अक्टूबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो गए, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये जो साइट है इसी की एमपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट पेज का एक कोर इंडियम आया है, तो इस पर हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। और इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और जो उसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं वो आपको केवल बताऊँगा। तो आपका जो एक कोर इंडियम आया है वो आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक शुद्धि पत्र आया है, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष 1/1/2020 की स्थिति में है। जो एज आपकी है वो 1 जनवरी 2020 से 20 को 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो आपको रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी 5 वर्ष और SC ST जो भी मिलता है तो वो आपका यहाँ पे जो एलिजिबल होगा। तो अब आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर पे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो अभी नहीं चल रही है, 30/10 से दिखा रहा है, यानी आपका थोड़ी देर में या शाम तक ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब की नई साइट खुल जाएगी और वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।